अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा जो चैनल है ये उर्दू मीडियम के तलबा की जो है रहबरी करता है अलग अलग जो इम्तिहान से मुतालिक, और चूँकि माहौल चल रहा है TET CET का, इसका वीडियो सुबह भी मैंने इससे मुतालिक डाला हूँ। लेकिन जो आज का जो हमारा उनवान है, खास जो कन्फ्यूजन्स मेरे सामने आए हमारे मीडियम के तलबा के, उसको दूर करने के लिए, ठीक है, तो बहुत आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में बोलने की मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा उनवान है टैट, TAIT, टैट है क्या, क्या है ये टैट और क्या रहती इसकी एलिजिबिलिटी और कैसा होता है सिलेक्शन। इसके पहले 2 से 3 वीडियो मैंने बना दिया हूं, और भी जो है कई कंफ्यूजन्स मेरे सामने आए, तो और मैंने बनाने का उसका इरादा किया हमारे मीडियम के तलबा के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अब टैट को जानने से पहले सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा, टैट जो है ये शिक्षक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा, जिसको हम मेंस एग्जाम कहते हैं, वो होती है, और वो होती है महाराष्ट्र की। TAIT ये मेंस एग्जाम है शिक्षक भर्ती के लिए महाराष्ट्र के। लेकिन इसके लिए हमको थोड़े माजी के भी चीजें जानना जरूरी है, चूंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं फ्यूचर में। तो क्या कब से राइज हुई ये, जो हुआ ये तरीका, बात है 2007 की। उस वक्त के जो तत्कालीन शिक्षण मंत्री, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, महाराष्ट्र के जो उस वक्त के जो शिक्षण मंत्री, जो मेरे ही जिले से, यवतमाल जिले से जो है ताल्लुक था उनका, है अभी, तो वो वसंतराव जी पुरके 2007 में दिसंबर में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इसके पहले भले ही डीएड के परसेंटेज, डीएड का जो आपका थ्योरी परसेंटेज था उस पर होती होगी शिक्षक भर्ती, लेकिन आज के बाद से जो है वो शिक्षक भर्ती का इम्तिहान एक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए लिया जाएगा, और उसको नाम दिया गया CET, ठीक है। अब ये ऐलान हुआ, उसके मुताबिक प्लान हुआ 31 अगस्त सन 2008। जी हाँ, 31 अगस्त सन 2008 को महाराष्ट्र की फिलहाल की पिछले 20-30 सालों में की या 20 सालों में की पहली CET शिक्षक भर्ती के लिए लागू हो गई। 1997 से पहले थी ऐसा मैंने सुना, लागू हुई 31 जुलाई सन 2008 को CET हुआ। बहुत नया था, बहुत जो है अलग सा जो है पैटर्न था हमारे जो तमाम महाराष्ट्र वालों के शिक्षक भर्ती के लिए, चूंकि इसके पहले सब सिलेक्शंस डीएड के परसेंटेज पे होते थे, तो उसका जो पैटर्न था वो बहुत ही इजी लेवल का था, जिसको बोले उस वक्त का हार्ड, लेकिन आपका इजी मैं बोलूं तो 7th या 8th लेवल तक जो है मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह जो पूछा गया था, उसमें कुछ हिस्सा जो है हमारा जो है डीएड का भी दिया गया था, मराठी व्याकरण और उर्दू व्याकरण वगैरह जब नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं तो उसके बाद वो 150 मार्क का जो पेपर था, 300 जो है उसमें उसके सॉरी 150 क्वेश्चन का पेपर 300 मार्क हुआ करते थे, और 3 घंटे का टाइम दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो CET में अगर आप स्कोर करते हैं तो उस पर आपका सिलेक्शन ना होते हुए 10वीं का परसेंटेज, 12वीं का परसेंटेज प्लस डीएड का परसेंटेज, इनका एक रेशो और आपके CET के मार्क का एक रेशो जो है ऐसा रखा गया था, क्योंकि वो दौर जो नया नया राइज हुआ था ये तरीका, तो ऐसा रखा गया था जो कि डीएड के परसेंटेज से लाख गुना अच्छी जो है तरीका जो ये था। अब 10वीं 12वीं और डीएड के परसेंटेज का एक रेशो, यानी 80 की निस्बत 20 या 70 की निस्बत 30, ऐसा कुछ रखा गया था जो भी था उनका, ठीक है। यानी कि फुली सिलेक्शन तुम्हारा CET के परसेंटेज मार्क्स पे मेरिट पे नहीं होता था, ठीक है। तकरीबन बहुत से उस वक्त भी स्टूडेंट्स जो है ये हुए सिलेक्ट। इसके बाद दौर बदला 2009 में, अचानक से उस वक्त के जो तत्कालीन शिक्षण मंत्री थे जनाब संजय दर्डा साहब, जो कि मेरे ही जिले से, यवतमाल से ताल्लुक रखते थे, तो सॉरी आई एम रियली सॉरी राजेंद्र दर्डा साहब यवतमाल के थे, उस वक्त वो महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री थे 2009-10 में। तो उन्होंने ऐलान किया कि अब CET जो है 200 मार्क की होंगी और पैटर्न चेंज होगा। ये एक इनकलाब था हमारे शिक्षक भर्ती के लिए। अब ये लेवल और टफ हो चुका था, बहुत टफ हो चुका था। इसमें जो मैं आपको फास्ट अगर बताता चलूं तो 50 मार्क का मैथ्स, 50 मार्क का साइंस और 50 मार्क में सब आ चुके थे दूसरे सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, डीएड का सिलेबस, उसके बाद में मराठी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण, जब उर्दू व्याकरण नहीं हुआ करता था, उर्दू का ग्रामर नहीं हुआ करता था।
बहुत टफ लेवल था साइंस और मैथ्स जो 50-50 100 के थे उसमें कंपलसरी 50 मार्क लेना था। अगर आप 130 भी स्कोर करते हैं और मेरिट से कई ऊपर जाते हैं लेकिन आपको मैथ साइंस की कंडीशन में 49 है यानी कि आपने 50 नहीं लिए 100 में से तो आप जो है आउट ऑफ कंपटीशन हो गए थे, ऐसे कई बच्चे हो गए थे। ठीक है, अब आ जाओ धीरे धीरे उसके बाद में 11 सितंबर सन 2011 को 11 12 और 13 सितंबर को श्रीकर परदेसी उस वक्त के तत्कालीन जिला अधिकारी नांदेड़ इन्होंने एक मुहिम चलाई 2011 में शिक्षक भर्ती का मैं वजूद कैसा अंधेरे में गया ये बता रहा हूँ, आगे बताएंगे अपन टैट क्या है। ठीक है, तो वो श्रीकर परदेसी ने खाजगी संस्थाओं पर उस वक्त जो है पट पड़ताड़नी मुहिम एक लगाई और उसके बाद से बहुत बड़ा मसला पेश आ गया, शिक्षक भर्ती बैन हो गई। 2017-18 तक ये बैन रही, बहुत मसले मसाइल हुए हमारी, मैं और मेरी कई जो बैच थी उसके बाद से जो है पूरी तरीके से एक अंधेरे जो जिसको बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा उसके गहराई में जाने की कोशिश करें कि कब भर्ती होगी लेकिन भर्ती का कोई वजूद नहीं था। अचानक से जो 2017 में उस वक्त के जो शिक्षण मंत्री श्री विनोद जी तावड़े साहब ने को जैसा शिक्षण मंत्रालय को हमारे नागपुर हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई कि अब जो है दौर के हिसाब से शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलो और पेपर पैटर्न बदलो और शिक्षक भर्ती लो, तो अचानक से फिर एक ऐलान होता है मई 2017 में शिक्षण मंत्री उस वक्त के जनाब विनोद जी तावड़े साहब कहते हैं कि टेट इसके बाद से शिक्षक भर्ती के जो प्रक्रिया का नाम टेट होगा वो चेंज होगी। ठीक है, टेट आई, टेट का मतलब होता है TAIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके पहले उसका नाम सिर्फ CET था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेम, जो भी नाम से कोई मायने नहीं। अब पैटर्न कैसा चेंज हुआ कि पैटर्न चेंज में उन्होंने जो भी आनंद फानंद में शिक्षक भर्ती लागू किए उसमें कई मसाइल आए, कई टेक्निकल इश्यूज आए लेकिन आखिरकार अल्लाह के करम से भर्ती हुई, सिलेक्शन हुए। टैट जो है, अब मैं शुरुआत करूंगा कि टैट क्या है। ये टैट में ऐसा है जो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों में कई कन्फ्यूजन्स दिखे मुझे, तो सबसे पहली बार टैट है ये शिक्षक भर्ती का इम्तिहान। जो भी प्लेन डीएड प्लेन बीएड मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी बीएससी बीएड जो भी एमए एमएड बीएससी बीएड एमएससी बीएड जो भी ये देख रहे होंगे जो 9वीं से 12वीं के लिए जनरली पढ़ाने की जो है जॉब को लगने की कोशिश कर रहे होंगे, गौर से सुनो मेरी बात को, जहन में रखो, मेरी मौद्देबान आपसे गुजारिश है आप लोग जो है आपके मसरूफियात में होते हैं फिर आप जो है ये ऐसे इम्तिहान को जो है तर्क कर देते हैं जिसकी वजह से कईयों के फ्यूचर जो है खराब हुए हैं पिछले शिक्षक भर्ती में पवित्र पोर्टल के एलिजिबल होने के बावजूद। ठीक है, अब आते हैं अपने खास मुद्दे पे कि सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी अहलियत क्या होती है कि सबसे पहले पहली से आठवीं मैं बताऊँ आपको, जो प्लेन डीएड है, प्लेन डीएड जो मेरा इस वक्त सुन रहे हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है सिर्फ डीएड है 12वीं प्लस डीएड, वो सुनो कि अगर आप TET 1 पास है और आप सिर्फ डीएड है तो सिर्फ आप 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टैट में प्लेन उसके लिए शर्त है आपको TET पास होना 1, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन प्लस डीएड है, डीएड सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस डीएड है तो आपको जहन में रखना होगा कि टेट का इम्तिहान देने के लिए आपको दोनों TET पास होना होता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, नहीं तो अगर आप एक TET पास है तो एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली से पांचवी के लिए पहली TET प्लस डीएड, दूसरी से पांचवी के लिए दूसरी TET प्लस डीएड प्लस ग्रेजुएशन। ठीक है, डीएड प्लस ग्रेजुएशन के लिए पहली से आठवीं के लिए दोनों TET दोनों या दोनों CTET जो है पास होना जरूरी है। मैंने या क्यों बोला, ये इक्विलियंट है, ये बात समझो मेरी। 14 नवंबर सन 2017 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्रालय का एक शुद्धि पत्रक है, उस शुद्धि पत्रक में साफ कह दिया गया है कि जो महाराष्ट्र में CTET पास है वो हमारी टैट के लिए एलिजिबल हो गया है। ये बात होगी, मैं साफ अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाओ हमारा जो है टेट में अगली एलिजिबिलिटी, जो प्लेन बीएड मेरा ये वीडियो देख रहे हैं बीएससी बीएड बीए बीएड एमए बीएड एमए एमएड जो भी देख रहे होंगे, आप ये बात सुन लो, ये बात समझ लो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में आप पहली से बारहवीं तक या जो बीएड है ओनली बीएससी बीएड या जो बीए बीएड है, पहले आपको डीएड 1-5 में लिया नहीं जाता था, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होते से ही या NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो होता है केंद्र सरकार का, इसके हिसाब से आप पहली से आठवीं के इनके रूल जो है 1 साल पहले या 2 साल पहले जो आए थे उस पे आप एलिजिबल हो। आज के लिए 2 साल पहले से महाराष्ट्र ने उसको अप्लाई नहीं किया, अगले बारी से महाराष्ट्र भी उसको अप्लाई कर देगा, जो है स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रहे हैं लेकिन आप ऊपर लागू है, तो आप जो है MA BEd ओनली BA BEd ओनली BSc BEd ओनली MSc BEd आप जो है DEd नहीं है फिर भी आप जो है पहली से आठवीं के लिए अब इसके बाद लागू रहेगा। CTET 1 CTET 2 TET 1 TET 2 ये दोनों आप दे सकते हो, पास हो सकते हो, प्राइमरी पर आ सकते हो।
क्यों? वजह यह है कि आप लोगों के 9वीं से 12वीं का उर्दू मीडियम 9वीं से 12वीं के वैकेंसीज का कोई भी वजूद नहीं है। आप लोगों को फ्यूचर बनाना ही है, तो आप ये प्राइमरी लेवल की टीचिंग को थोड़ा कमतर नजरों से मत देखो, मेरे बात को समझो। प्राइवेट जगह पर टेम्पररी टीचिंग में या फिर ट्यूशंस लेने में फ्यूचर ये 90% नहीं होता है, 10% वो होता है जो उनको करोड़ों और अरबोंपति बना देता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं, समझो मेरे बात को। मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के जॉब में जो है या सेक्टर में जो है फर्क बता रहा हूं। उसके बाद आ जाओ, अगर आप सिर्फ बीएससी बीएड है तो छठी से आठवीं के लिए विथ टीईटी या सीटीईटी टू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में प्राइमरी पर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बीएससी बीएड है और आप सोच रहे होंगे कि आप पहली से पांचवी इलिजिबल हो गया, जी हाँ आप इलिजिबल हो। बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, एमएससी बीएड जो भी होंगे आप, अब इसके बाद से जो भी शिक्षक भर्ती होंगी आप सीटीटी या टीईटी एक से एक और दो दोनों पास करके रख दो। मैंने डीएड की बात बता दिया, ये बीएड की बात चल रही है, ठीक है? तो आप इलिजिबल हो, लेकिन आर्ट्स में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। पहली से पांचवी पर भी अगर आपको चांस मिलता है तो ले लो। जिला परिषद नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल, ये गवर्नमेंट की संस्थाएं है महाराष्ट्र के, जहां पर टीचिंग की जाती है, समझे? और हमारा जो 9वीं से 12वीं का वजूद ना के बराबर है, 2017 के शिक्षक भर्ती का मैं हवाला दूंगा। यहाँ पर जो वैकेंसी थी 930 थी, जिसमें प्राइमरी की 95-97% थी, 3% जो थी उसमें भी साइंस और आर्ट्स डिवाइड था। छठी से आठवीं पे आपको सब्जेक्ट टीचर लिया जाता है, ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट प्लस बीएड डिप्लोमा, ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा भी है तो आपको सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी आती है। अब पूछा जा रहा है कि अलग अलग पेपर होता है क्या टेट में? नहीं, टेट में क्या होता है, आपको वहां अप्लाई करते टाइम पूछा जाता है कि तुम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं हूं डीएड प्लस बीएड तो मैं डालूंगा वह फ्रॉम 1 to 10, मेरा एक ही पेपर रहेगा, पहली पांचवी छठी सातवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं, ऐसा कुछ भी नहीं, 1 to 10। अगर मैं एमए बीएड हूं प्लस डीएड हूं तो मैं 1 से 12, मैंने जैसा 1 से 12 के लिए अप्लाई करा था, ठीक है? इसके बाद आ जाओ कि अलग अलग पेपर नहीं होता, ये बात जहन में रखो। अब आ जाओ जो है मजामीन क्या होती है या उसका पैटर्न या उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस क्या होता है उसका, उसका जो सिलेबस होता है वो आपकी अभियोग्यता या आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी कितनी फास्ट है, ये चेक करने का एक तरीका है टैट, टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपका एग्जाम लेता है, ऑन द स्पॉट आपको मार्क्स बताता है। पवित्र, पवित्र के मायने होते हैं पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर रिक्रूटमेंट, ये हमारे यहाँ का जो है पोर्टल है महाराष्ट्र का जो शिक्षक भर्ती कंडक्ट करता है, ठीक है? इसके अलावा आ जाओ अब अगली बात में, तो एग्जाम जो है अलग अलग नहीं होते, एक ही टाइम में लेकिन शिफ्टिंग में होते हैं, ये बात जहन में रखो। 12 से 21 दिसंबर 2017 को ये एग्जाम हुए थे और उसके बाद से अभी नहीं हुआ। अब सवाल है कि अगली शिक्षक भर्ती या टैट कब होगा, तो देखो भाई लोग अभी क्या है, 2017 की जो भर्ती हुई थी वो कंट्रोवर्शियल भर्ती हो गई, उर्दू मीडियम के तमाम तलबा जो है सेलेक्ट हो चुके हैं और अदरवाइज मराठी मीडियम के तकरीबन हुए हैं, लेकिन कुछ कोर्ट मैटर्स, कुछ केसेस पेटिशंस है 8 से 10 2017 से चल रही है, ये नया नवेला नहीं है। 2008 की भी शिक्षक भर्ती में सीईटी में केस हुई थी, 11 में फाइनल हुई, 2010 की भर्ती में 12 में केस हुई, 14 में फाइनल हुई और 20 तक चली, 2020 तक, याद, अब यकीन नहीं करेंगे आप, 2020 तक केस चली, 2020 तक कोर्ट से सिलेक्शन लाए गए। अब दूसरी, अब जो अगली बात है कि भाई क्वालिटी को अहमियत नहीं है, ऐसा एक हमारे जो दिमाग में जो बात है। अब अगर आपका कभी भी सामना होगा, मैं ये चैलेंज डंकी की चोट पर बोल रहा हूं, कभी भी सामना होगा किसी भी मीडियम वाले से जो सीटी के थ्रू लगाऊंगा, सीटी के थ्रू लगाऊंगा जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल वगैरह वगैरह में महाराष्ट्र में, तो उसको पूछो कि भाई तेरे पास क्वालिटी थी, तेरी कदर हुई क्या? तो उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो किसी भी किस्म की कोई अमाउंट लेकर नहीं हुआ है। तुम अगर वो मेरिट ही क्रॉस नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं तुमको बता रहा हूं कि मुझे 130 मार्क है लेकिन क्लोज ही 132 पे हो गई, तो वहां मैं क्या बोलता, मराठी में एक उसका मण है, एक मण है, एक वाक पर मण है जिसको मुहावरा बोलते हैं, नावड़ तीचे मीट आड़नी, ये मण है, यानी कि द सोर ग्रैप्स, अंगूर खट्टे है, जिस चीज की हमको जो है, जहां हमारा कुछ फायदा है या हो नहीं सकता या सबका होता है हमारा नहीं होता, वो हमको क्या लगती मालूम, वो हमको पसंद नहीं आती, वो हमको अंगूर खट्टे लगते हैं,
लेकिन वो नहीं होते असल में, वो लोमड़ी की मिसाल होगी। हम अपनी, मैं अपनी भी बात करूं, जहां मेरा फायदा नहीं वहां मैं द सोर ग्रैप्स कहता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे इस वीडियो को जितने भी बीएससी बीएड एमएससी बीएड एमए बीएड बीए बीएड देख रहे हैं, डीएड वाले तो देते ही चाहिए एग्जाम, टीईटी पास आउट करो, सीटीईटी पास करो, 9 से 12 बार गवर्नमेंट की वैकेंसीज में उर्दू मीडियम में फ्यूचर नहीं है, अदरवाइज आपको मराठी मीडियम से कंपटीशन करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगने के लिए। 140 मार्क वाले मेरे खुद के दोस्त अभी भी घर पर बैठे हैं 4 साल से मेरिट हाई जाने की वजह से। मेरे बात को समझो, हमारे दिमाग में जो आता है ना कि जो जिसको अपन बोलते हैं कि क्वालिटी की कदर नहीं है, मेरे ऐसे दोस्त हैं 139 वाले खाली बैठे, 140 पे क्लोज होने के लिए, ओबीसी कास्ट वाला 133 वाले कई मेरे दोस्त खाली बैठे हैं पवित्र पोर्टल में, टीईटी सीटीईटी पीएचडी नेट सेट एमफिल क्या नहीं है, वो उनकी मेरिट ही वहां पर नहीं आई, तो उतना तो उनको अंगूर खट्टे है वाली बात हो जाती ना फिर, तो वो नहीं, बिल्कुल कदर है, 100% आपकी कदर है। सिर्फ आप मेरिट क्रॉस करो, आपको जिला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका या पवित्र पोर्टल के थ्रू अगर आप संस्था पर भी जाते हैं तो आपको 1 रुपया अगर किसी ने मांग लिया तो बोल देना भी, ठीक है, 100% ग्रांटेड विदाउट इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, पर संस्था पर अगर आप जाते हैं विदाउट इंटरव्यू, जो आपका टैट के मार्क पर सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये है प्रोसीजर, समझे। अब इसमें सब्जेक्ट का डिवाइडेशन क्या होता है, तो सब्जेक्ट कैसा डिवाइड करते हैं वो, के सब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो मैथ्स और आईक्यू यानी ज़हनी आजमाइश का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है उसमें, 200 मार्क का पेपर जिसमें नियर अबाउट 80 के करीब करीब मैथ्स और ज़हनी आजमाइश, या 100 भी हो सकता है वो मैथ्स और ज़हनी आजमाइश, पिछले बारी की बात बता रहा हूं मैं, दौर बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, एग्जाम का नाम बदलेगा, ये भी हो सकता है, बात ज़हन में रखो। अब आ जाओ और बाकी के 100 मार्क में जनरल नॉलेज, उर्दू ग्रामर, अब थोड़ा डाला था उसने 2017 में, अदरवाइज इसके पहले भर्तियों में नहीं रहता था, जनरल नॉलेज, उर्दू ग्रामर, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इसके अलावा सोशल साइंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये 100 में डिवाइड होता। 120 मिनट 200 मार्क 36 सेकंड पर क्वेश्चन एवरेजली होता है, इतना टफेस्ट एग्जाम था वो टैट का अगर मैं बोलूं तो, टीईटी के जैसा नहीं होता, मेरा बोलने का मकसद, टीईटी में जो मैथ्स आता है जनरली वही मैथ्स होता है इधर, लेकिन थोड़ा ज्यादा पोर्शन होता है, थोड़ा हाई लेवल का पोर्शन होता है, ठीक है, साइकोलॉजी पूछता है, पेडागॉजी पूछता है, बिल्कुल पूछता है क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, इसके अलावा जो मैंने बताया वही, और अलग अलग पेपर नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है क्राइटेरिया, अगर आप प्लेन डीएड है तो 1 से 5 के लिए टीईटी 1, अगर आप डीएड प्लस ग्रेजुएशन है 1 से 8 टीईटी 1, टीईटी 2, सीटीईटी 1, सीटीईटी 2 ऑप्शन में, सिर्फ आप बीएससी बीएड है, सिर्फ आप बीए बीएड है, सिर्फ आप एमएससी एमए बीएड है, तो आपको 1 से 8 के लिए आना है, उधर फ्यूचर तो नहीं ना, तो आपको करना पड़ेगा सीटीईटी 1, सीटीईटी 2 या टीईटी 1 या टीईटी 2, दोनों में से कोई भी, जैसा केंद्र की या स्टेट, ठीक है। तो ये है पवित्र पोर्टल का सिस्टम, मैंने आपको इतिहास में इसलिए ले गया, बैक में इसलिए ले गया, माजी में, माजी जानना, उसका वजूद जानना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम शिक्षक के पेशे में आने वाले हैं, यहां पर अप टू डेट रहने के बाद वहां पर बहुत फायदा होता है हमारा जब हम जॉब के अंदर जाते हैं, तो ऑल जो वर्क होते हैं, ऑल जो काम होते हैं आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद, सिर्फ आपके बच्चों को आप उर्दू में पढ़ाते हैं, अदरवाइज कोई भी काम उर्दू में नहीं होता, सब मराठी में होते हैं ऑफिशियल काम। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं है कि क्वालिटी की वैल्यू है या नहीं है ये सोचना, क्वालिटी की 100% वैल्यू है, बस आप टीईटी 1, टीईटी 2 वगैरह पास करके आओ। और एक बात जहन में रखो, 2022 में अगर शिक्षक भर्ती जाहिर हो गई तो जो पात्रता, जो एलिजिबिलिटी मांगता है वो तो 2022 के पहले से टीईटी टीईटी पास, एमए पास, एमएड पास, बीएड पास, डीएड पास मांगता है, समझे। कई बच्चों का गैर समझ हो गया पिछले भी बारी में, और अगर आपको कोई पिछले बारी में ऐसा भी हुआ कि किसी ने जैसा पवित्र पोर्टल के नियम ना पढ़ते हुए जब नया नया बोला गया कि मैं तो टीईटी पास नहीं हूँ, सीटीईटी पास नहीं हूँ, मैं एग्जाम दे सकता क्या, अगले वाले ने बोल दिया हाँ दे सकता, बोले ठीक है, उसने जाकर दे दिया लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटीईटी या टीईटी मांगा गया, ठीक है, 150 मार्क लेने थे ना उसको प्राइमरी के लिए, वो आ ही नहीं सकता। तो अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है आप समझो, अब ये आपने एग्जाम दे दिए मिसाल के तौर पे, 110 120 मार्क आपको स्क्रीन पे बता देंगे ऑनलाइन,
अब अगला जो है उसकी प्रिंट निकालना होगा, रिजल्ट घोषित होता है फिर बाद में, और उसकी जो है वैकेंसी के हिसाब से आपको ऑप्शंस देने होते हैं। ऑल जिला परिषद, ऑल नगर पालिका, ऑल महानगर पालिका, ऑल कटक मंडल, आपके मीडियम के, आपके कास्ट के, आपके मार्क के हिसाब से। फिर वो जो आपको ऑप्शन आते हैं वो आपके मार्क और कास्ट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। जैसा कि एक ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको ओबीसी की ऑल वैकेंसीज के ऑप्शन आएंगे, फिर वो डालेंगे भाई नहीं जो जिले का है नांदेड़ तो नांदेड़ ही पहले डालेंगे, नांदेड़ नहीं आया तो क्या डालेगा, नांदेड़ आया इसलिए उसको ओबीसी के हिसाब से, तो फिर वो जो जोर जबरदस्ती नहीं जो आया वो डालो, तो फिर वो डालना पड़ता है। मिसाल के तौर पे 40 ऑप्शन आए तो 40 में फिर सीरियल नंबर लगाना पड़ता कि मुझे पहले नंबर पे दूसरे, वो 40 में से रैंडमली वो पोर्टल आपको जो है आपके मार्क के ओबीसी में आपको 120 है तो सिलेक्ट करके भेजता है उस नंबर पे, यानी कि 35 कम मार्क है आपको दूसरों के मुकाबले में, आपके ओबीसी के मुकाबले में, तो आपको पहले नंबर के बजाय 15 ऑप्शन में फेंकता है, तो वो वहां जाके आपको ये होता है। अब पासिंग क्राइटेरिया नहीं था पिछले बारी में, आगे आ सकता है, पासिंग क्राइटेरिया नहीं था। एग्जाम के देने के बाद में जो आपको मार्क आते हैं वो मार्क पर एक और महाराष्ट्र से ऑल मीडियम की कास्ट वाइज जो है मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मिसाल के तौर पे ओपन के मार्क की मेरिट लिस्ट जो है 110 वाला जो है आखिरी बंदा जो स्टूडेंट मिला और आपको 109 है तो आप सिलेक्ट नहीं है, 110 के आगे के सब सिलेक्ट है, आप सिलेक्ट नहीं है। इसको कहते हैं मेरिट लिस्ट सिस्टम, कोई भी एग्जाम का नहीं, शिक्षक भर्ती की ही नहीं, आपके कास्ट के आपके मार्क के हिसाब से। ओबीसी अगर 102 पे क्लोज हुआ, आपको 100 है, आप एलिजिबल नहीं है, आप अपात्र कहलाएंगे वहां, ठीक है, ये बात होती है। इसके अलावा ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ये पवित्र पोर्टल का पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाया, पहले से वीडियो को देखो जो मैंने शुरुआत बताया वहां से, और आखिरी तक आप समझ जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करो, और बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, एमए बीएड, बीए बीएड, ये वीडियो को तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, गौर से सुन के महा टीईटी सीटीईटी पास करो, 9 से 12 की वैकेंसीज में गवर्नमेंट की कोई भी फ्यूचर नहीं है फिलहाल, उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है वगैरह वगैरह, आप मराठी के भी आपको ऑप्शन आते हैं, 100% आते हैं, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन उर्दू मीडियम में आप 120 पे लग जाएंगे तो मराठी मीडियम में आपको 140 पे भी रुकना पड़ता घर पे, ये कंपटीशन है। ऑल मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना तकरीबन मेरे मराठी मीडियम वाले ही दोस्त हैं, हाँ, तो ये बात को समझो। उर्दू मीडियम में 6 से 8 वगैरह पे साइंस की बहुत अपॉर्चुनिटी है, 8 वालों की थोड़ी कम है, लेकिन इतना समझो आप लोगों ने जो है 9वीं से 12वीं के जो नाद में ये पुरानी जो है 2017 के टाइम के चांस खो दिया, ये बात भी जहन में रखो, आप लोगों ने नहीं, आपके जो आपके फील्ड के जो थे पुराने मेरे टाइम के उन्होंने, हकीकी बात रियल सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, और अपना जो ग्रुप पे जो डिस्कशन हुआ टेलीग्राम पे उसके ऊपर से ये वीडियो बना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, टेट की जो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक करो और उर्दू मीडियम तक शेयर करो एस्पायरेंट्स के लिए जो फ्यूचर में टीचर बनने वाले गवर्नमेंट सेक्टर में, पवित्र पोर्टल के थ्रू क्वालिटी की बहुत अहमियत है भाई लोग, बहुत अहमियत है, उसको समझो, सिर्फ क्वालिटी बताना पड़ता, 200 में से 130 लोग, आप 129 वाले को आपके पहले नहीं लेते हो, इसको बोलते सिस्टम। 100 ग्राफ्स वाली मिसाल दिया मैंने, अंगूर खट्टे लगते हैं, मेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगी ना मैं तो उसको मैं ताने मारता, लेकिन वो सबके लिए बेहतर होती है, मेरे लिए क्योंकि मेरा उससे फायदा नहीं होता, ये बात है, चलेंगे ठीक है। और आज के इस वीडियो का मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, टैट के सिस्टम को समझिए, पूरा वीडियो देखिए उर्दू मीडियम वाले। अस्सलामुअलैकुम।